फाई मनी एक ऐसा नियो बैंक बन गया है, यानी फाई मनी फेडरल बैंक जो है वो एक ऐसा बैंक बन गया है जिसने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इससे पहले कोई भी नियो बैंक ने नहीं किया है और उस कार्ड का नाम दिया है फाई क्रेडिट कार्ड। तो आज हम जानेंगे इस फाई क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कार्ड को लेने के, और तीसरा फीस और चार्जेस क्या है, और चौथा किस तरह से अप्लाई करते हैं पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा कि इसमें 5% का आपको कैशबैक मिलेगा हर स्पेंड्स पे। दूसरा यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा कि आपका एक अर्ली ईयरली इनकम होना चाहिए, और तीसरा के आपके पास एक आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, और चौथा कि आप एक सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होना चाहिए। और फीस और चार्जेस के बारे में बात करें फाइव क्रेडिट कार्ड के, तो ये लाइफ टाइम फ्री है, ना ही ज्वाइनिंग फी है और ना ही एनुअल फी है, और भी बहुत सारे चार्जेस। इसका अप्लाई करने का कोई प्रोसेस नहीं आया है, लेकिन अगर आप इसका वेट लिस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी इस कार्ड को लेने में। जो लोग वेट लिस्ट ज्वाइन करेंगे उसको सबसे पहले ये कार्ड मिलेगा। चलते हैं वेट लिस्ट ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पेज में आ जाना है, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP आएगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना फुल नेम डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपको बता दिया जाएगा, आपको 4 वीक के अंदर आपको बता दिया जाएगा अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको ये कार्ड फाई मनी एप्लीकेशन के जरिए पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना। थैंक यू।